नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। ये भी एक कुकी का रेसिपी है। आज हम बनाएंगे कोकोनट कुकीज़, कढ़ाई में बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए हम सामान देख लेते हैं। हमें चाहिए 1/2 कप पाउडर्ड शुगर, 100 ग्राम्स बटर, मैदा 1 कप, डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। ये हम लोग डो के लिए ले रहे हैं, और ये मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। कुकी बनने के बाद हम इसमें रोल कर देंगे कुकी को। दूध भी मैंने थोड़ा सा लिया है, आपको ज़रूरत हो तब भी लीजिए। आप पहले देख लीजिए आपका डो अच्छा बनता है कि नहीं। अगर बिना दूध के भी अच्छा बनता है आपका डो, तो दूध यूज़ मत कीजिए। मैंने चीनी और बटर ले लिया है, मैं हाथ से ही कर रही हूँ। मैं पहले इसको स्मूथ पेस्ट बना लूँगी, फिर मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं डो बनाऊँगी। देखिए, हमारा बटर और शुगर का मैंने स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। मैंने कढ़ाई भी बिठा दिया है, क्योंकि 15 मिनट हमको गर्म करना पड़ेगा। इसको फुल फ्लेम पे रख दिया है। अब मैं डो बनाने के लिए यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, फिर मैदा डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। देखिए दोस्तों, हमारा डो रेडी है। मैंने बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया। आपका भी बिना दूध के डो बनता है सॉफ्ट डो, तो दूध मिक्स मत कीजिए। अब मैं एक चम्मच के हेल्प से इसे शेप दे रही हूँ। मैं इसे राउंड शेप दूंगी। आपको जो साइज़ का चाहिए वो साइज़ का चम्मच ले सकते हैं। देखिए, कुकीज़ हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। रेडी होने के बाद ऐसे हम डेसिकेटेड कोकोनट में इसको थोड़ा घुमा लेंगे, ताकि सब पे कोट लग जाए। देखिए दोस्तों, मैं जिस थाली में बेक करूँगी उसमें मैंने रेडी कर लिया है। आप कढ़ाई में धीरे से डालिए, कढ़ाई बहुत गर्म होगा। इसको हम 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। आप देखते रहिए, जब थोड़ा सा सुनहरा गोल्डन कलर का होने लगे तब आप बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस रख के बेक कीजिए आप, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे कुकीज़ रेडी हो गए हैं। आशा करती हूँ आप लोग सब ट्राई करेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस होती है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत सॉफ्ट, बाहर से बहुत क्रंची, बिल्कुल बेकरी जैसा लगेगा आपको। घर में ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।